हेलो फ्रेंड्स, एनी टेरिस पर आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ अमरजीत। देखिए, आज मैं पत्तेदार सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूँगी, यानी कि साग बनाऊँगी और साग की हार्वेस्टिंग करूँगी मैं अपने टेरिस से। और ऑर्गेनिक सब्जियाँ मैं उगाती हूँ। देखिए, मैंने सब्जियाँ जो पत्तेदार हैं वो भी, और जो हमारी फलदार सब्जियां हैं वो भी मैंने इसमें लगाई हुई हैं। तो किस तरह से लगाएंगे, और मैंने ले ली है टोकरी, अब मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूंगी। देखिए, पत्ते देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े पत्ते आए हैं पालक पर, और एकदम साफ साफ हेल्दी और बड़े पत्ते हमारी पालक पर आए हैं। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक का कमाल है, सिर्फ ऑर्गेनिक। देखिए, इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ आपको मैं दिखाती भी हूँ। जब मैं मिट्टी में सॉयल मिक्सचर जो बनाती हूँ और डालती हूँ अपने कंटेनर्स वगैरह में, ग्रो बैग में, तो मैं इसमें सिर्फ गोबर खाद, राख और जो राइस हस्क और जो किचन का कंपोस्ट मैं अपनी छत से या किचन से निकलने वाले कचरे से बनाती हूँ, सिर्फ ये चीज़ें मैं डालकर और ये सब्जियाँ लगा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हेल्दी सब्जियाँ हमें मिलती हैं ऑर्गेनिक। तो मैं कोई भी पेस्टिसाइड, बाजार वाला कोई भी केमिकल अपनी सब्जियों पर नहीं डालती हूँ, ना फल वाली और ना पत्ते वाली। तो सिर्फ देखिए, अगर हम ऐसे ही उगाते हैं तो कितनी अच्छी हमें पत्तेदार सब्जियां और हेल्दी खाने को मिलती हैं, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो उगाने का तरीका देखिए, अगर हम एक कंटेनर में एक सी सब्जी भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं देखिए अगर हमें कोई फलदार सब्जी लगाई हुई है, जैसे मिर्च लगा ली, टमाटर लगा लिया, उसके साथ साथ मैं दो चार बीज कोई पालक का, कोई धनिया का, कोई मेथी का, ऐसे भी डाल देती हूँ। और अगर हम ऐसे डाल देते हैं तो हमें मल्टीपल यानी कि मिक्स सब्जियां हमें मिल जाती हैं। देखिए, किसी में ऊपर फल बनता है, किसी में नीचे धरती यानी कि मिट्टी में फल बनता है, और किसी में पत्ता बनता है, जो हमें पत्ते की हार्वेस्टिंग चाहिए होती है। तो इस तरह अगर हम मिक्स करके लगाते हैं सब्जियां, तो हमें काफ़ी सारी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाती हैं अपने टेरिस से। तो देखिए, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और ये चना, कल इसमें से काफ़ी सारे चने उखाड़ दिए हैं बंदरों ने, और वो झपट कर इसमें ना फलियाँ आने लगी है। देखिए, ये फलियाँ बनने लगी हैं इसमें, और जब इसमें फल बनने लगता है तो मंकी ने देखा होगा कि फल बन रहे हैं, तो वो उखाड़ कर ले गए। कई सारे पौधे इसमें से उखाड़ कर फेंक दिए उन्होंने, मैंने किचन वेस्ट में डाला है आज उठा के, सॉरी उसमें ग्रो बैग में डाला है उनको, तो झाड़ू लगाकर। तो इस तरह हम अपने टेरिस पर लगा सकते हैं। और मैं देखिए सभी सब्जियों की पत्तियां ले रही हूँ। देखिए, लहसुन की भी पत्तियां मैंने चने की ले ली, पालक की ले ली। इस तरह से अगर हम मिक्स बनाकर, मिक्स पत्तियां तोड़कर और फिर अपना साग बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी साग बनता है। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, गांव में भी ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पर भी मैं इस तरह ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं तो कमेंट करके बताना जरूर, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखिए कितनी अच्छी हेल्दी हमें पत्तियां मिल रही हैं ऑर्गेनिक, सिर्फ ऑर्गेनिक। आप अगर अपने टेरिस पर ऑर्गेनिक उगाना चाहते हैं, तो जो सामान मैंने बताए हैं, आप सिर्फ ये ही सामान डालकर, आपको कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ ये जो सामान मैंने बोले हैं इसमें वीडियो में, आपके साथ शेयर भी करती हूँ मैं, आप मेरी पिछली वीडियो में शेयर किए हुए हैं, तो सिर्फ ये सामान डालकर देखिए कितने हेल्दी और कितने, देखिए ये टक टक की आवाज़ भी आती है, इस तरह से कच्चे कच्चे टूटते हैं ये, इनमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि जैसे ये पक जाते हैं ज़्यादा, या कोई भी इनको कमी है किसी या पानी या खाद की, तो उसकी वजह से ये खराब से लगते हैं, थोड़े टाइट से टूटते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कच्चे कच्चे टक 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 करके आवाज़ आती है जब मैं इनको तोड़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है हार्वेस्ट करने में। तो इस तरह आप भी अपने छत से ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाइए, और उगा कर उनको हार्वेस्ट करिए और खाइए, फिर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ऑर्गेनिक का। तो वैसे तो केमिकल देखिए हर चीज़ में मिलता है हमें, बाज़ार से आने वाली सभी सब्जियों में, क्योंकि किसान तो देखिए पैसे के लिए उनको डालना पड़ता है, लेकिन हम अब अगर ऐसा खुद हर घर में टेरिस होता है या
किसी के नीचे भी क्यारी वगैरह होती है, तो उसमें अगर हम ऐसे थोड़े थोड़े साग सब्जी लगा लें तो काफ़ी मात्रा में हम अपने घर में अपने लिए साग सब्जी सब्जियां उगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने टेरिस पर उगाइए और ऑर्गेनिक खाइए। तो देखिए, पालक मैंने कई कंटेनर्स में डाली हुई है और काफ़ी सारी पालक मुझे आज हार्वेस्टिंग के लिए मिल गई है। और धनिया भी देखिए, धनिया को अगर हम ये देखिए, जैसे ये आपको लाल सा नज़र आ रहा होगा ऊपर से, तो अगर हम इसको ऊपर से काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो ये देखिए नीचे से कितना ग्रीन ग्रीन निकलता है फिर। और ये देखिए सरसों है, सरसों की पत्तियां कितनी ग्रीन मुझे मिल रही है। ऐसे में एक एक पौधा, एक एक बीज मैंने डाला हुआ है, कहीं पे एक डाल दिया, कहीं पे दो डाल दिए। तो इस तरह दूसरी सब्जी के साथ साथ हमारे और कि कुछ फूलों वाले पौधों में भी मैंने ऐसे ही कंटेनर्स में के साथ साथ ऐसे पौधों के साथ साथ ये डाले हुए हैं, तो मुझे वहाँ से ये भी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और मैंने देखिए यहाँ पे देखिए धनिया कितना अच्छा पत्तेदार चौड़े चौड़े पत्ते हो रहे हैं धनिए के, तो काफ़ी अच्छी सब्जियाँ हमें छत से मिल रही हैं। और हार्वेस्टिंग के लिए वैसे मैं कभी मेथी, कभी ये बथुआ, देखिए बथुआ कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। और मैंने ऐसे ही एक एक दो दो बीज ऐसे ही हर कंटेनर में डाले हुए हैं, बथुआ के भी, मेथी के भी। और अलग से भी मैंने देखिए किचन वेस्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे ही नीचे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भरकर और ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी मिक्स बनाकर वो डालकर और उसी में लगाई हुई है। देखिए ये बथुआ ग्रो किया हुआ है मैंने, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाला था, तो अभी छोटा है, अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हुआ है। और ये देखिए दो यहाँ पर बीज सरसों के डाले हुए थे, तो आलू के बीच में, और ये आलू हैं मेरे, अभी मिट्टी लगाने के हो गए हैं, मिट्टी लगाऊंगी इनमें। और ये शलजम के पत्ते हैं, इनको भी हम साग में डाल सकते हैं। देखिए शलजम जो इसमें घने हो रहे हैं, तो उनके पत्ते मैं ऐसे हार्वेस्ट कर रही हूँ बीच बीच से, तो थोड़े ये हल्के हो जाएंगे, ज़्यादा घने नहीं रहेंगे। फिर मैं बीच में से एक दो पौधा निकाल भी लूँगी, तो ये थोड़े और खुले खुले हो जाएंगे। तो देखिए मेथी पर तो फलियाँ बनने लगी हैं, और इस टमाटर के पौधे पर मेरे बन गया था एक लाल टमाटर, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी।